हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। तो आज का पूरा वीडियो रहेगा डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी के ऊपर, 10-10 के बाद और हमारे न्यू मून के बाद, ग्रहण के बाद। ओके, मैं वीडियो कल बनाने वाली थी लेकिन मुझे 3 दिनों से डिवाइन मस्कुलाइन के लिए बहुत सारे मैसेज मिल रहे थे। पहले दिन कम मिला, दूसरे दिन ज़्यादा मिला और आज तो बहुत सारे मिले। ओके, तो मुझे लगा यार कि ये मैसेज अब देना ही पड़ेगा क्योंकि आज मेरा सेशन भी है तो मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो जल्दी जल्दी बना रही हूँ ताकि मुझे ये आपको देना है। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत सारे मैसेज मिले हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए। अब ये रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूँ कि बहुत कम लोगों के साथ हो सकता है कि ये रेजोनेट हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पर लगता है कि जो फेमिनाइन सच में जिन्होंने अच्छा काम किया है, मिडल में है या बहुत ज़्यादा अच्छे खासे वो बैलेंस की एनर्जी में हैं, या अपने DMDF बैलेंस उन्होंने कंप्लीट बैलेंस कर लिया है, या सोल पर्पस पे है या फिर जाने वाली है, उनके लिए ये चैनल मैसेज होगा, ये रीडिंग होंगी, ज़्यादा उनके साथ रेजोनेट करेगा क्योंकि बहुत सारे न्यू अवेकनिंग वाले DF भी देखते हैं। तो हो सकता है कि आपके साथ इनमें से कई मैसेज ऐसे होंगे जो रेजोनेट नहीं करेंगे। ओके, तो कोई ऐसा कमेंट नहीं लिखना कि कुछ भी बोलते हैं हमारे साथ होता नहीं, वही जर्नी में होता है। और पिछले लास्ट वीक बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी थी, मैं आपको क्या बताऊँ कि कमेंट में इतने सारे लोग, बहुत बुरा लगा पढ़ के कि लोग अपने ही जर्नी को जज कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मुझे नहीं चाहिए ये जर्नी, मैं नहीं रह सकती, और वो मतलब अपने ही DM को गाली गलौज करना, अपने ही जर्नी को कुछ भी फालतू बोल देना। अगर ऐसा आप सोचते हैं करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, क्योंकि जो ट्विन जर्नी में होते हैं, जो TF होते हैं ना, वो कभी भी चाहकर भी अपनी जर्नी को जज नहीं करते। अगर उन्होंने किया भी तो तुरंत उनके दिमाग मतलब आत्मा से वो बातें आती ही नहीं। और कई सारे लोगों ने ऐसे भी कमेंट लिखे हैं कि मैं भूल चुकी हूँ उसको और मैं अपने लाइफ में बिजी हूँ और मैं खुश हूँ। अगर आप भूल चुके हो तो सबसे पहले आप चेक करो कि आप जर्नी में है भी या नहीं, क्योंकि जो TF में होता है वो कभी भी अपने मैस्कुलाइन या अपने फेमिनाइन को भूलता नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा सच है। आप अपने जर्नी में, आप अपने लाइफ में खुश हो जाओ, आप शादी करो, बच्चे करो, लेकिन आपका डिवाइन मैस्कुलाइन या आपके डिवाइन फेमिनाइन की जगह आपके लाइफ में कोई भी नहीं लेगा, राइट? तो अगर ऐसा कुछ है, आप कंप्लीट भूल चुके हो, तो आप TF जर्नी में नहीं है, ये कन्फर्मेशन आपके लिए है। अगर आपको लगता है आप है तो आपको चेक करना चाहिए। तो कुछ भी नेगेटिव लिखने से पहले सोचे, आप जो लिखते हैं ना वही एनर्जी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि लिखा हुआ बहुत स्ट्रांग होता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी को जज करने से पहले या अपने ही बारे में कुछ नेगेटिव लिखने से पहले आप 100 बार सोचें, क्योंकि वही एनर्जी रिपल होके मल्टीप्लाई होके आपके लाइफ में आप खुद अट्रैक्ट करती है, अगर आप एक पावरफुल सोल है तो, राइट? तो चलो, ये तो हो गया, मुझे आपको बताना था। तो सबसे पहले तो मुझे 3 दिनों से एक भंवरा चेस कर रहा है और मैं उसको इग्नोर कर रही थी, अगेन आज फिर से वो आया शाम को और फिर से चेस करने लगा। ओके, तो ये मेरे लिए एक कन्फर्मेशन था डिवाइन मस्कुलाइन के लिए। आज मॉर्निंग से मैं DM की बहुत सारी लविंग एनर्जी पिक कर रही हूँ। मुझे किसी भी प्रकार की कोई सैड एनर्जी, गिल्ट वाली एनर्जी कुछ भी पिक नहीं हो रही या फील नहीं हो रही है, लेकिन मैस्कुलाइन की मुझे बहुत ज़्यादा लव वाली, बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली और बहुत ज़्यादा सेक्सुअल वाली, मतलब इतना रोमांटिक एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ मैस्कुलाइन की कि हो सकता है फेमिनाइन आपके लिए ये कन्फर्म, मैं बता दूँ कि आप कैसे कन्फर्म करेंगे। अगर आप अचानक रोमांटिक फील करने लगी है या आपका मन कर रहा है कि मैं DM से मिलूँ, या आपका भी मतलब आप भी सेक्सुअल एनर्जी के लिए क्रेव कर रही है, या आपका मन हो रहा है, या फिर आपको लगता है कि यार बात कर लूँ या मिल लूँ या उससे देख लूँ, या कोई गाना सुन रहे हो और आप अचानक से आपको गूज बम्प आ रहे हैं, या आपके बॉडी में शिवरिंग हो रही है, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून वाली एनर्जी फील हो रही है, ओके, अपने DM के बारे में सोचकर, तो ये आपके लिए 100% आपके DM की एनर्जी है। चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप सेपरेशन में हैं, चाहे आपका झगड़ा हो चुका है, चाहे आपका DM थर्ड पार्टी में है, लेकिन इस टाइम अगर आप इस तरह की एनर्जी पिक कर रही हैं और बहुत सारे साइन भी आपको दिख रहे होंगे, जैसे इन्फिनाइट का साइन, ठीक है, और नंबर भी आपको बता दो, अभी बता देती हूँ, नंबर है 444। ये नंबर 144 या 111 1110 अलाइन नंबर जैसे होता है ना कि 12 12 10 10
और मेरा नंबर। अगर ऐसे नंबर आपको दिख रहे हैं तो बिल्कुल ये आपके लिए कंफर्मेशन है, ठीक है। तो ये एनर्जी है और आपके डीएम आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में इमोशनल भी सोच रहे, इमोशनल होके। तो हो सकता है कि आपको अचानक से दिल भारी लगने लगे या आप इमोशनल हो जाए। अब इमोशनल हो जाए मतलब लो ना हो जाए, आप इमोशनल जैसे होते हैं ना खुशी वाला इमोशनल होना, अचानक आप कोई सीन देख रहे हो या पढ़ रहे हो, अचानक से आपको रोना आ जाए या आपका दिल भर जाए या फिर आपके दिल में आपको बहुत हैवीनेस लगने लगे और वो तुरंत निकल जाएंगी। अगर ऐसा आपने अभी फील किया है तो बिल्कुल ये आपके डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है। देखो ये एनर्जी आप अभी फील कर सकते हैं या आपने पहले ही फील करी है या फिर आप आने वाले समय में भी ये फील कर सकते हैं, आने वाले 1 वीक में, राइट। तो आपके साथ रेजोनेट हो सकती है, मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं चैनलिंग डालने के बाद बहुत सारे लोगों को ये एनर्जी फील होती है। तो आपके डीएम आपके बारे में बहुत इमोशनली सोच रहे हैं, ठीक है। सेक्सुअल थॉट, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है डिवाइन मस्कुलिन आपके लिए। सेक्सुअली बहुत ज़्यादा क्रेविंग उन्हें हो रही है, क्रेव हो रहा है, इसकी एनर्जी आप पिक कर रही है। इंटीमेसी के लिए उनका मन हो रहा है, मिलने के लिए उनका मन हो रहा है, बात करने के लिए उनका मन हो रहा है। अगेन एक साइन आपको बता दूँ, अगर आपको आपके डीएम का बहुत ज़्यादा मतलब इतना नाम दिखे कि हर सेकेंड सेकेंड नहीं हर मिनट, ओके, मतलब आप कुछ पढ़ रहे हो, जैसे मेरे साथ में तो सेकंड में हो रहा है, जैसे कुछ पढ़ रहे हो तो वो तो पहले सेंटेंस में हो गया उसका नाम, फिर अगेन तीसरे सेंटेंस में उसका नाम आ गया। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो तो उसका नाम, अगर इतना ज़्यादा अगर आपको दिख रहा है तो ये एनर्जी पूरी आपके साथ रेजोनेट होंगी, ठीक है। अगर आपको आपका नाम और आपके डीएम का नाम दोनों का नाम बार बार दिख रहा है तो ये अगेन आपके लिए कंफर्मेशन है कि ये एनर्जी डेफिनेटली आपके और आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ही चैनल मैसेज है, ओके। तो जितने भी साइन मिले थे सब बता दिया और एनर्जी आप कंटिन्यू पढ़ूंगी, ठीक है, बीच बीच में नहीं आपको डिस्टर्ब करूंगी, राइट। आपके डीएम आपके लिए इमोशनली सोच रहे हैं, सेक्सुअली सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सेपरेशन में हैं, अगर वो थर्ड पार्टी में हैं लेकिन हो नहीं रहा है, उनका जो पेशेंस है वो जवाब दे रहा है, राइट। आपके लिए इस टाइम डीएम की एनर्जी ऐसी है कि वो किसी भी तरह से आपसे मिलना चाहते हैं। इस टाइम मुझे कोई सैड एनर्जी या कोई दिल टूटने की एनर्जी उनके लाइफ मतलब उनके इसके आपके लिए नहीं आई कि हाँ मैंने उसके साथ ऐसा किया है तो मुझे बुरा लग रहा है, ऐसा मुझे नहीं फील हुआ है। लेकिन उनके लाइफ में कुछ टावर मोमेंट हुए हैं और उसी का जो परिणाम है ये है कि वो बहुत ज़्यादा आपसे इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। कईयों के डिवाइन मैस्कुलिन बिल्कुल अवेकन हो चुके हैं। आज ही हमारे ग्रुप में एक डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन कपल ऐड हुआ है, जो बहुत अच्छी बात है, ओके। उनका नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं था, तो मैं उनका नाम शेयर नहीं करूंगी, राइट। तो जैसे फेमिनिन आप अपनी सेल्फ लव में है तो आपके डीएम आपको मिरर कर रहे हैं। बहुत से डीएम जो है वो अपने इनर मैस्कुलिन के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। जैसे होता है ना कि आपकी जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होती है तो पहले हम शक्ति से कनेक्ट होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपके डीएम सबसे पहले उनके मैस्कुलिन एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं। वो समझते हैं कि वो है क्या, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। तो वही एनर्जी आपके डीएम फील कर रहे हैं, डीएम आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, डीएम सेल्फ लव को मिरर कर रहे हैं। जैसा आप करेंगी, जैसा आप फील करेंगी, जैसे आपके वाइब्रेशन होंगे, उसी तरह से आपके मैस्कुलिन आपको मिरर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे थॉट उनके दिमाग में आपके लिए चल रहे हैं, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ। बहुत सारे डीएम के घर पे झगड़े हो सकते हैं, स्पेशली आपके लिए। अगर आप दोनों अनमैरिड है तो मैरिज की बात को लेकर उनके घर में तमाशे हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मैरिज वाली एनर्जी है ये उन फेमिनिन के लिए जो अपने सोल पर्पस पे चल पड़ी है, जो अपना सोल पर्पस कर रही है, ओके। डिवाइन मस्कुलिन को अब कोई डर नहीं है क्योंकि उनके अंदर का जो उन्हें लगता है ना हमेशा कि मैं अगर डीएफ के पास जाऊँ तो मेरा दिल टूट जाएगा, अगर उनको ये डर होता है। ये डर क्यों होता है, जब ईगो उनके अंदर होता है तभी ये डर उनके अंदर होता है। तो बहुत सारे डीएम का ईगो बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है, बहुत ही अच्छे तरीके से। अब उन्हें डर नहीं लगता दिल टूटने का, अब वो बिंदास होकर आपके पास आना चाहते हैं। उनके अंदर एक पावर, एक स्ट्रेंथ आ चुका है क्योंकि ये जो सन की एनर्जी है ये बहुत सारे मैस्कुलिन के लिए एक वरदान देके गई है, ठीक है।
जो उनके अंदर स्ट्रेंथ भर चुका है आपके पास आने के लिए, जो मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा सोसाइटी या समाज या मेरा ये हो जाएगा, मुझे वो देख लेगा, ये नहीं हो सकता, ये गलत है, ये सारी जो बकवास करते थे ना, अब वो एकदम लापरवाह हो चुके हैं उनके लिए। उनके दिल दिमाग में ऐसा कोई थॉट नहीं है कि मुझे समाज की चिंता है या ये बुरा है या गलत है, जो भी बकवास वो करते थे वो सब क्लियर हो चुका है। अब वो बिंदास है क्योंकि वो उन्होंने अपने सेल्फ को चूज़ किया है और इसीलिए वो आपके पास आएंगे। बहुत सारे DM आएंगे, देखना, आपका कांटेक्ट होगा, आपके मैसेज पे बात होंगी, आपके कॉल पे बात होंगी, टेक्स्ट आएगा, आप दोनों का आमना सामना भी होगा। आपके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स यूनिवर्स के तरफ से बिल्कुल आ रहे हैं फेमिनिन। इस एनर्जी को आप ज़रूर क्लेम करना, ठीक है? क्लेम लिखना मतलब आप इस एनर्जी को अपने लाइफ में इनवाइट करते हैं। अगर आप नेगेटिव लिखेंगे तो बिल्कुल वो भी आपके लाइफ में आ जाएगा, ठीक है? आपके DM आपको बुरी तरह से चेज कर रहे हैं। आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कहीं ग्रुप में कहीं किसी और के साथ बातचीत कर रहे हैं, या फिर आपको साइन भी मिल रहे होंगे कि ये कुछ ज़्यादा ही मतलब एक्टिव नहीं है ऑनलाइन, या कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, ऐसा भी आप फील कर सकती है, ठीक है? वो रेडी है आपके लिए अपना इमोशन भरा कप देने के लिए। इस टाइम बहुत से DM अपने हार्ट चक्रा से साथ कनेक्ट है, अपने इनर फेमिनिन के साथ कनेक्ट है, तो वो आपके साथ अपने इमोशन भी शेयर करेंगे। जब आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा ये आपको क्लियरली पता चलेगा। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए एक क्लियरिटी आई है इस टाइम की, उन्होंने जो सोचा था, उन्हें लगता था कि कार्मिक उनके लिए बेस्ट है, या जैसे होता है ना कि प्यार दिल से होता है, लेकिन उन्हें पता चला है कि मुझे जो फील होता है, मेरा जो सोल लव है, मुझे जो सेटिस्फैक्शन है, वो सिर्फ आपके पास है। ऐसे बहुत से DM है, इस बात को वो मानेंगे और क्लियर भी करेंगे। ईगो मेल्ट होने का कारण आपको बताया है कि टावर मोमेंट बढ़ चुका है या उनके लाइफ में आने वाला है, या बहुत से DM के लाइफ से ये जा चुका है, इसकी वजह से फेमिनिन से ज़्यादा कनेक्शन उनको फील हो रहा है। हेल्थ इशू बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में एंटर हो चुके हैं, और यही वजह होती है कि जब वो पूरी तरह से ट्रैप होते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में उनकी डिवाइन फेमिनिन ही हिट करती है। बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, खुद को इतना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं सेक्सुअल एनर्जी के लिए, लेकिन वही होता है कि हमेशा कंपटीशन में रहने वाला आदमी आज कंपटीशन जीतने का भी उसका मन नहीं है, हर चीज़ में उसको जीत चाहिए। DM ऐसे होते हैं कि वो ना नहीं सुन सकते, अगर किसी ने उनकी बात काटी तो उनका बहुत ईगो हर्ट होता है। इस टाइम DM ऐसी एनर्जी में है कि उन्हें किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं करना है, ना उन्हें उनके दिल टूटने का डर है, क्योंकि ईगो बहुत हद तक उनका मेल्ट हो चुका है। अब उन्हें ये नहीं होता, मतलब डर नहीं लगता कि कहीं मुझे उसने रिजेक्ट कर दिया, तो वो वाला होता है ना उनका एटीट्यूड, उससे भी वो ऊपर उठ चुके हैं, ठीक है? वो जो होता है कि हमेशा खुद को बचाना, मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन मैंने अगर बोल दिया ना तो ये सही है, वो वाली एनर्जी से भी डिवाइन मैस्कुलिन ऊपर उठ चुके हैं। अब ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी ऐसी है कि उनका जो मणिपुर चक्र है वो कंप्लीट हील हो चुका है। अब ये बहुत पावरफुल एनर्जी है, जो फेमिनिन हायर एनर्जी में है या हाई वाइब्रेशन में अभी वाइब्रेट कर रही है, उनके मैस्कुलिन की ये एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, ओके? एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज इस ग्रहण के बाद, मैंने जैसे बोला था कि आने वाला है, तो बिल्कुल आने वाला है नहीं, आ गया है, ओके? सन की एनर्जी के साथ आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं फेमिनिन, आप स्पेशली डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से। यूनियन बहुत सारे लोगों के होंगे, अब मैं यहाँ पे परमानेंट यूनियन नहीं बोल रही हूँ, इनर यूनियन भी हो सकता है और आउटर यूनियन भी हो सकता है, परमानेंट यूनियन भी हो सकता है, या आपका मिनी यूनियन मतलब जो ऑन एंड ऑफ होता है, बहुत दिनों के बाद होता है, वो भी हो सकता है, ठीक है? तो ये सारी एनर्जी आपके डिवाइन मैस्कुलिन की है, जो मुझे बहुत स्ट्रांगली पिक हो रही थी। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो जाए, बहुत सारे लोगों के साथ। अब फेमिनिन, आप अगर अपने थर्ड पार्टी के लिए भी करंट सिचुएशन में, अगर आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि आपको पता है कि थर्ड पार्टी का रोल बहुत हमारा हमें हेल्प करता है, ठीक है? तो अगर आपके दिल में उनके लिए भी बहुत सारा रिस्पेक्ट, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, बहुत सारा अनकंडीशनल लव है, आप हर एक को एक वननेस की एनर्जी से देख रही है, तो ये एनर्जी आपकी है,
क्योंकि मुझे उसी फेमिनिन की ज़्यादा एनर्जी पिक हो रही थी जिनके दिल में आज थर्ड पार्टी के लिए भी बहुत सारी रिस्पेक्ट और बहुत सारा अनकंडीशनल लव है। उसे कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, ना वो कर्ज कर रही है, ना ब्लेम कर रही है, ना हर्ट गिना रही है कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ उसने ये किया, क्योंकि वो बिल्कुल वननेस की एनर्जी में आ चुकी है। उनके डिवाइन मैस्कुलिन की ये ज़्यादा एनर्जी रहेंगी। मैं चाहती हुई कि आपके साथ ये रेजोनेट हो जाए, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।